हाय दोस्तों, मैं हूं अजय उपाध्याय। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताने चल रहा हूं क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में कि आप इसको कैसे शॉपिंग करके कैसे अर्न करते हैं और इसको हम कैसे रिडीम करा सकते हैं, कैश में कैसे हम करवा सकते हैं और इससे शॉपिंग कैसे करते हैं और इसकी क्या वैल्यू होती है, इसके बारे में दोस्तों मैं बताऊँगा। तो चलो दोस्तों, मैं बिना समय गंवाए आपको बता देता हूँ कि इसके क्या पूरे क्या प्रोसेस है इसका। तो दोस्तों, रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो होती है दोस्तों, एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 25 पैसे है। बोले तो आप अगर चार रिवॉर्ड पॉइंट अगर मिलाते हैं तो एक रुपये का आपका वो वैल्यू बनती है। तो हाल ही में दोस्तों, मैं अपनी कहानी पहले बता देता हूँ कि मेरे पास RBL का कार्ड था। RBL में 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट हो चुके थे। उससे मैं अगर मैं चाहता तो उससे शॉपिंग भी कर सकता था, पर मैंने शॉपिंग तो मुझे कुछ लेना नहीं था, पर मैंने उसको कैश में कन्वर्ट करा के उससे मैंने 2,000 रुपये अर्न कर लिया है। 2,000 रुपये मैंने ले लिया है उससे, रिडीम करा के ले चुका हूँ, मेरे पास आ गए हैं। उसको मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये वाला आप देख सकते हैं, ये है वो मेरे जो 2,000 मुझे मिले हुए हैं। और दोस्तों, कई क्रेडिट कार्ड के अपने अपने टर्म कंडीशन होते हैं कि क्या कितने रिवॉर्ड पॉइंट किस पे दिए जाएँ। जैसे कि अभी मेरे पास मैंने कोरल कार्ड की एक वीडियो बनाई थी, उस पर दोस्तों बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। अगर हम 100 रुपये अगर स्पेंड करते हैं तो उस पर हमको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं किसी शॉपिंग पे, सब पे नहीं है, शॉपिंग पे मिलते हैं। तो यही है, अच्छे अच्छे कार्ड अगर आप लेते हैं तो उस पर कुछ रिवॉर्ड पॉइंट, अगर शॉपिंग के दौरान कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं तो वो रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठे होने के बाद आप उसको शॉपिंग भी कर सकते हैं, कैश भी कन्वर्ट करा सकते हैं। वो टर्म कंडीशन क्रेडिट कार्ड की होनी चाहिए, क्योंकि सारे क्रेडिट कार्ड आपको सारे क्रेडिट कार्ड कैश प्रोवाइड नहीं कराती। वो ज़्यादातर यही कहती है कि शॉपिंग कर लें, इससे शॉपिंग करें तभी बेटर रहेगा। पर मैं कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे भी होते हैं आप उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि इस रिवॉर्ड पॉइंट को अगर आप रिडीम कराना है, आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड है, तो आप जैसे कि ICICI का क्रेडिट कार्ड है, HDFC का, एक्सिस का है, तो आप उस पर बस जाके ये लिखें कि क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम, इतना लिखेंगे तो आपका पूरा चिट्ठा खुल के आ जाएगा जो भी बैंक होगा। आप बस जैसे ICICI में आपको रिडीम कराना है तो ICICI रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम ऐसे आप लिखेंगे तो आपका वहाँ पे खुल जाएगा। वरना पेबैक रिडीम पे भी एक आपका साइड होता है, तो वहाँ जाके आप इसको इजीली रिडीम कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, आपको मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे रिडीम होते हैं अगर आप चाहेंगे तो। तो यही है दोस्तों, इसकी पहले मैंने आपको वैल्यू बता दी। इसकी वैल्यू जो है चार रिवॉर्ड पॉइंट की एक रुपये का होता है। जैसे कि आपने 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट अगर इकट्ठे कर लिए तो आपको 2,000 रुपये आप इस पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इसको रिडीम कराना चाहते हैं तो जब आपके 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाएँ तब इसको रिडीम कराएँ तो बेटर रहेगा। रिडीम या कैश में कन्वर्ट कराएं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप अगर 100, 200, 500 का आप रिडीम कराते हैं तो कुछ आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, ज़्यादा ना कुछ आप उस पर शॉपिंग कर पाएंगे। तो यही है दोस्तों, मेरी तरफ से जो सजेशन है, 5,000 रुपये आप इसको रिडीम कराएं या शॉपिंग करें, क्योंकि आप उस पर ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और तो ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट के पीछे ना भागें, कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब जितनी हम शॉपिंग करेंगे उतना ही हमको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा दोस्तों। और अब टर्म कंडीशन हो चुके हैं कि हम पैसा ऐड करके हम रिवॉर्ड पॉइंट नहीं कमा सकते, कुछ एल्गोरिथम होते हैं क्रेडिट कार्ड के, उस पर ही जाके हम रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है, पर यह है आप रिवॉर्ड पॉइंट के तरफ ना सोच के अपने शॉपिंग और टाइम टू टाइम पेमेंट के बारे में सोचना, रिवॉर्ड पॉइंट अपने आप से इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि जैसा मेरा रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठा हुआ था तो मेरे को देख के अच्छा लगा, अब मैंने उसको कैश में कन्वर्ट करा दिया, तो आप भी इसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।